ओके तो आज की इस वीडियो में हम पाइथन लैंग्वेज का यूज करके वेदर फोरकास्टिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मतलब इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आप पूरे वर्ल्ड में से किसी भी सिटी का वेदर जान सकेंगे। आपको सिर्फ उस सिटी का नाम एंटर करना होगा जिस सिटी का वेदर आप जानना चाहते हैं। इसके लिए हम पाइचार्म जो कि पाइथन एडिटर है उसका यूज करेंगे। इसके लिए हमें कुछ लाइब्रेरी चाहिएंगी, जैसे ये है BS4 लाइब्रेरी, हमें इसको कॉपी कर लेना है। इनके मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और सिंपल टर्मिनल में जाकर हम इन्हें इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, और एंटर दबाएंगे। आपका नेटवर्क कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए, इंस्टॉल हो गई है। दूसरी लाइब्रेरी हमारी रिक्वेस्ट वाली है, इस लाइब्रेरी को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये दोनों लाइब्रेरी हमारी इंपोर्ट हो चुकी है प्रोग्राम में। अब इन्हें हम फ्रॉम BS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल शॉप, हम इसको अपने फंक्शन में इम्पोर्ट कर रहे हैं। वो हमारे पहले प्रोग्राम में इम्पोर्ट हो गई थी, फिर हम इम्पोर्ट रिक्वेस्ट को करेंगे और एक हैडर नाम का वेरिएबल बनाएंगे। इसके अंदर मैं एक नोट पैड दिखाऊंगा, ये हैडर के अंदर हमें ये लिखना है, ठीक है। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका मतलब क्या है, ये ब्राउजर है, जो ब्राउजर हो सकता है आपके में वो इंस्टॉल हो, तो इसलिए इन ब्राउजरों को मैंने यहाँ पर लिखा है। और इन सभी का जो लिंक है ना नोट पैड पे जो लिखा हुआ था, इसको मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर हम प्रिंट करेंगे एंटर दिस सिटी नेम, यानी कि आप अपनी सिटी का नाम लिखिए और सिटी वेरिएबल बनाकर इनपुट ले लेंगे। यानी जो भी सिटी आपने लिखी है वो किस में स्टोर हो जाएगी, सिटी वाले वेरिएबल में। और एक सिटी इज इक्वल टू सिटी प्लस वेदर, तो क्या करा हमने यहाँ पर सिटी के आगे वेदर को भी ऐड कर लिया है। और यहाँ पर अब हम एक फंक्शन के डिफाइन करेंगे वेदर सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फंक्शन की, वेदर सिटी जो हमने फंक्शन डिफाइन करा था नीचे, उसको डेफिनेशन लिखने के बाद हम लिखेंगे सिटी इज इक्वल टू सिटी डॉट रिप्लेस, जो स्पेस है ना हमारा उसकी जगह हम प्लेस प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, सिटी प्लस वेदर। और दूसरा वेरिएबल बनाया हमने एरियस रिसोर्स वाला, और रिक्वेस्ट डॉट गेट करेंगे और हमें इसको कॉपी कर लेना है। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये लिंक है, ये लिंक का मतलब क्या है, ये हमारा गूगल का एक लिंक है जिसमें यहाँ पर सिटी आपने देखा होगा बीच में, यहाँ पर आके सिटी हो जाए, सिटी आके यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। और हैडर इज इक्वल टू हैडर कर देंगे। शॉप नाम का वेरिएबल बनाया हमने इज इक्वल टू ब्यूटीफुल शॉप RES.text HTML. PARSER, ठीक है। हमें ये लाइन लिखनी होगी। अब हम लोकेशन नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसमें लोकेशन स्टोर होगी shop.select, और इसमें आएगा #WOB/LOC लोकेशन, और इसके अंदर हम 0 पास करेंगे इंडेक्स और डॉट गेट टेक्स्ट कर देंगे। यानी कि जो भी लोकेशन आपने लिखी है या फिर जिस लोकेशन को आप सर्च कर रहे हैं वो लोकेशन इसमें स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में। और इसको पूरे को कॉपी करने के बाद फिर पेस्ट कर देंगे, एक बार और पेस्ट करेंगे और हम वेरिएबल का नाम बदलेंगे। यहाँ पर ये लोकेशन जो वेरिएबल है इसका नाम बदल देंगे और इसकी जगह टाइम कर देंगे, यानी कि किस टाइम पे आपने वेदर की लोकेशन चेक करी है, मतलब आपने वेदर चेक करा किस टाइम पे। उसके बाद लिखेंगे हम वेदर, यानी कि इस टाइम वेदर कैसा हो रहा है आपका, वहाँ का टेम्परेचर कितना है आपके उसका, तो यहाँ पर TM आ जाएगा टेम्परेचर के लिए। प्रिंट कर देंगे हम लोकेशन को, लोकेशन हमने प्रिंट करी, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे टाइम को, ठीक है, उसके बाद प्रिंट करेंगे वेदर को। यहाँ पर वेदर को हम प्रिंट कर देंगे प्लस सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर के आगे सेल्सियस लिखा होता है, तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे, कैपिटल सी, ठीक है। उसके बाद हम एक बार इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं। एंटर सिटी नेम, हमने एंटर सिटी नेम डाला गाजियाबाद, ठीक है। ये एरर दे रहा है, ऊपर चेक करते हैं एक बार। यहां पर हेडर से करना होगा आपको हेडर की जगह, ठीक है। और इस लाइन में भी हमने लिखा था हेडर इज इक्वल टू हेडर, तो वहां पर हम इसको हेडर्स कर देंगे, एस लगा देंगे इसके आगे, हेडर्स, ये आगे ना हेडर्स, तो आपको इसमें भी यही लिखना है हेडर्स। अब हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ पर फिर से सिटी नेम लिखते हैं गाजियाबाद, एंड एंटर दबाइए और देखेंगे ये हमारा जो है 10 बजे, आज मंगलवार है, तो 33 डिग्री सेल्सियस है।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर और भी बहुत सारे आप पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो ये लेफ्ट वाली जो प्लेलिस्ट है आप इस पर क्लिक करके और भी बहुत सारे पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट चेक कर सकते हैं।